Good morning students, I hope you are very well at your home. Today we are going to start our next chapter, that is the Punjab A Glimpse, means Punjab ki ek jhanki. Sabse pehle hum karenge vocabulary words, so let us do. The first word is recognize, pehchana, rest, manoranjan, arms, bheek, brutal, insult, pilgrimage, teerth yatra. Precious, कीमती, irrigate, सिंचाई, generate, पैदा करना, stretch, फैलाना. So, we are going to start the chapter, Punjab, a glimpse. बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले. Children, you must have recognized this famous folk dance of Punjab, said Mr. Matthew, pointing at the Bhangra dancers in front of the Punjab पवीलियंस. पंजाब के जो शहीद हैं, पवीलियंस हैं, देशभगत हैं, उनकी तस्वीरों के आगे नाच चल रहा था. उस नाच के बारे में बात करते हुए मिस्टर मैथ्यू ने क्या कहा, बल्ले बल्ले. बच्चों, आप सब ने इस नृत्य को, इस नाच को पहचान लिया होगा, जो कि पंजाब का एक फेमस नाच है. यस सर, we saw this folk dance during the Republic Day celebration this year, replied the children. बच्चों ने कहा कि इस साल हमने इस डांस को रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पर देखा था. This dance is full of energy. It shows the great zest for life of the Punjabis, said Mr. Matthew. क्या कहा मिस्टर मैथ्यू ने कि ये जो डांस है, ये पूरा ऊर्जा से भरा हुआ होता है, पूरी एनर्जी लगती है इसमें, और जो इसमें उनका, पंजाबियों का मनोरंजन है, वो देखते ही बनता है. पंजाबीज आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड हार्ड वर्किंग पीपल. दे नेवर स्ट्रेच देयर हैंड्स बिफोर एनीबॉडी फॉर आर्म्स. जो पंजाबीज होते हैं, वो बहुत ही मेहनती और सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आत्मसम्मान वाले होते हैं. वो कभी भी अपने हाथ किसी के आगे भी के लिए नहीं फैलाते, मदद की उम्मीद नहीं रखते. दे नेवर शो देयर बैक इन द बैटल फील्ड. वो जंग के मैदान में कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते. द पीपल ऑफ पंजाब फेस्ड ऑल द फॉरेन इन्वेशंस बोल्डली. पंजाब के लोगों ने जब भी किसी फॉरनर ने इन पर हमला किया, उसका डट कर मुकाबला किया. ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम, पंजाब गेव द कंट्री ग्रेट हीरोज. इन भारत की आज़ादी की स्ट्रगल के समय, संघर्ष के समय, पंजाब से बहुत ही देशभक्त, बहुत बहादुर देशभक्त आए. दे इंक्लूडेड सच पैट्रियट्स एज लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा एंड मैनी अदर्स. उसमें ये सारे बहुत से वीर बहादुर थे. वी कॉल लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब. हम लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब का नाम देते हैं. भगत सिंह शहीद ए आज़म. ऑल दीज ब्रेव सन्स ऑफ पंजाब सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड. ये सारे पंजाब के सपूतों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए. लाला लाजपत राय डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रूटल लाठीचार्ज वाइल ही वॉज लीडिंग ए प्रोसेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1928. लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करके उन्हें मार दिया गया था. भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड फॉर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश क्रुएलिटीज. और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी जब उन्होंने ब्रिटिश राज की निर्दयता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. भगत सिंह वॉज देन जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड. भगत सिंह तब सिर्फ 26 ईयर्स ओल्ड थे, 26 साल के थे. यू कैन सी द पैट्रियट्स ऑफ ऑल दीज फ्रीडम फाइटर्स इन दिस पवेलियन. सर, वट इज दिस बिल्डिंग दैट हैज़ बुलेट मार्क्स ऑल ओवर इट्स वॉल्स, आस्क्ड चिंटू. चिंटू ने पूछा कि सर, जिस ये कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी इमारत है जिसके सब तरफ गोलियों के निशान है. आप देखिए, ये वाली बिल्डिंग की बात की चिंटू ने, तो ये कौन सी बिल्डिंग है. येस, यू ऑल रिकोगनाइज इट, दैट इज़ अ जलियांवाला बाग ऑफ अमृतसर. हेयर ऑन 13th April 1919 ए क्राउड ऑफ अराउंड 20,000 पीपल हैड गैदर्ड फॉर ए पब्लिक मीटिंग. यहाँ पर 20,000 लोगों का इकट्ठ था 13 अप्रैल 1919 में. दे इंक्लूडेड मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन. उसमें बच्चे और आदमी सब थे. द ब्रिटिश जर्नल डायर
केम देयर विद हिज राइफल मैन, ब्रिटिश जनरल डायर वहाँ पर आया अपने बंदूकधारियों के साथ, ही ब्लॉक ऑल द एग्जिट पॉइंट्स, उसने बाहर जाने वाले सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, बिना कोई वार्निंग दिए, ही ऑर्डर्ड हिज राइफल मैन टू फायर एट द क्राउड, उसने अपने राइफल मैन को ऑर्डर दे दिया कि इस भीड़ के ऊपर गोलियां चलानी चला दो, अबाउट 1000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 1500 वर वाउंडेड, जिसमें 1000 लोग मारे गए और 1500 से ज़्यादा शहीद हो गए, पंजाब सफर्ड अ लॉट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री 1947, इसी तरह 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तब भी पंजाब को बहुत कुछ सहना पड़ा, द कंट्री वॉज पार्टीशनड, देश का बंटवारा हो गया, देर वॉज टेरिबल ब्लड शेड, हर तरफ खून की लहू, खून ही खून बहा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड टू लीव देयर होम्स एंड लीव एज रिफ्यूजीज, हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और वो रिफ्यूजियों की तरह रहे, हाउएवर द ब्रेव पंजाबीज वर्कड हार्ड एंड स्टार्टेड लाइफ अफ्रेश, पर बहादुर पंजाबियों ने बहुत मेहनत की और फिर से हमारा अपना नया जीवन शुरू किया, दे प्लेड अ ग्रेट रोल इन रीबिल्डिंग द स्टेट, नए राज्य को स्थापित करने में उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया, दे मेड पंजाब द ग्रेनरी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ कैनल्स एंड द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, दे ब्रॉट अबाउट अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री, इट इज मेनली ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ पंजाबीज दैट इंडिया इज नो लॉन्गर अ पुअर कंट्री बट ए डेवलपिंग नेशन, पंजाब में पंजाब के लोगों ने अपनी हिम्मत से देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हरी क्रांति लाई जिसमें बहुत पैदावार हुई, जिससे उसने ना सिर्फ अपने राज्य को बल्कि अपने देश को भी प्रगति के पथ पर ले गई। सर वाजंट पंजाब फर्दर डिवाइडेड व्हेन द स्टेट ऑफ हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ इट, आस्क राजू, राजू ने कहा कि सर इसके बाद भी पंजाब की का बंटवारा हुआ था ना जब हरियाणा बना था, यू आर राइट राजू, इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पंजाबी एंड रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पंजाबी एंड हिंदी लैंग्वेजेस, 1966 में पंजाब को दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया इसमें लैंग्वेज के आधार पर, जहाँ जो पंजाबी बोलने वाले क्षेत्र थे उनको पंजाब का नाम देकर अलग कर दिया और जो हिंदी बोलने वाले क्षेत्र थे उनको अलग हरियाणा का नाम दे दिया, सम ऑफ द हिली एरियाज ऑफ पंजाब लाइक लाहौल स्पीति, द वैलीज ऑफ कुल्लू एंड मनाली, कांगड़ा, डलहौजी एंड शिमला वर इंटीग्रेटेड विद हिमाचल प्रदेश, इसी तरह पंजाब के जो कुछ हिली एरियाज थे पहाड़ी इलाके थे वो हिमाचल प्रदेश में चले गए, चंडीगढ़ वॉज मेड द ज्वाइंट कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की एक ज्वाइंट कैपिटल बना दी गई, द रीऑर्गेनाइज्ड पंजाब केम इनटू बीइंग इन नवंबर 1966, नाउ इट हैज़ पाकिस्तान ऑन द वेस्ट, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ, हिमाचल प्रदेश ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑन द साउथ इट हैज़ हरियाणा एंड राजस्थान, दिस इज़ द मैप ऑफ पंजाब, और आप देख सकते हैं कि इसकी अलग अलग दिशाओं में जो अलग अलग राज्य इससे इसके साथ लगते हैं। सर हेयर इज़ द मॉडल ऑफ डैम, आई थिंक इट इज़ फेमस भाखड़ा डैम, सेड राजू, यू आर राइट राजू, सेड मिस्टर मैथ्यू, दिस डैम इज़ 740 फीट हाई, इट्स लेंथ इज 580 मीटर एंड इट इज़ 9 मीटर ब्रॉड, वहाँ पर एक मॉडल पड़ा था, राजू ने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि सर ये भाखड़ा नंगल डैम का मॉडल है, तो सर ने उसके बारे में उसको बताया कि ये डैम कितना बड़ा, 740 फीट इस हाइट है इसकी और इसकी लेंथ 518 और 9 मीटर ये चढ़ाई में है, इट्स रिजर्वियर्स नोन एज गोविंद सागर स्टोर्स अप टू 9 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, इट यूज फॉर इरीगेटिंग 10 मिलियन एकर्स ऑफ फील्ड्स इन हिमाचल प्रदेश पंजाब एंड हरियाणा, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द पावर हाउस एट भाखड़ा एंड नंगल इज सप्लाइड टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ से बहुत से राज्यों को पानी मिलता है उनके खेतों की सिंचाई के लिए, इसी तरह भाखड़ा नंगल डैम पर जो बिजली पैदा की जाती है वो भी अलग अलग राज्यों को दी जाती है, पंडित नेहरू कॉल्ड भाखड़ा डैम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, पंडित नेहरू ने भाखड़ा डैम को मॉडर्न इंडिया का टेम्पल मंदिर कहा था, सर आई कैन हियर द मेलोडिशियस स्ट्रेन्स ऑफ गुरबानी, देयर मस्ट बी अ गुरुद्वारा नियर बाय सेड विकी, विकी ने कहा कि मुझे यहाँ गुरबानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, वेल वी आर नियर द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, इट इज़ द होलीएस्ट
श्राइन ऑफ सिख्स, सेड मिस्टर मैथ्यू ने बताया कि हम गोल्डन टेंपल में हरिमंदर साहिब के पास हैं, जो कि सिखों का एक धार्मिक स्थल है। सर दे से दिस टेंपल इज सराउंडेड बाय वाटर, सेड चिंटू। यस इट इज बिल्ट इन द मिडल ऑफ स्क्वायर टैंक, इसके चारों बीच में पानी है। टू रीच द टेंपल देयर इज ए 60 मीटर लॉन्ग मार्बल पाथ, पत्थर का रास्ता है 60 मीटर लंबा। दिस पाथ हैज मार्बल रेलिंग ऑन बोथ साइड्स, द टेंपल इज डबल स्टोरीड, इट हैज ए गोल्डन डोम ऑन द टॉप, इसके ऊपर गोल्डन डोम बना हुआ है। पतरे पूरे जो हरिमंदर साहिब पर पूरे सोने के पतरे चढ़े हुए हैं। द मार्बल स्लैब्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंपल हैव ऑन देम देयर आर्टिस्टिक एनग्रेविंग, द इनर वॉल्स आर डेकोरेटेड विद प्रीशियस स्टोन्स, दे हैव ऑन देम प्राइसलेस पेंटिंग्स एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट। ऑन द ग्राउंड फ्लोर अंडर द डोम शेप्ड रूफ लाइज श्री गुरु ग्रंथ साहिब, और उसके नीचे श्री गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए हैं। इट इज़ द होली बुक ऑफ सिक्स, जो कि सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ है। डू यू नो इट वॉज श्री गुरु अर्जन देव जी द फिफ्थ गुरु ऑफ सिक्स कंपाइल्ड दिस होली बुक, इस बुक का संपादन किसने किया था? फिफ्थ गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। आनंदपुर साहिब इज द अनदर प्लेस ऑफ सिख पिलग्रिमेज, और सिखों का एक और धार्मिक स्थान है वो है आनंदपुर साहिब। इट इज स्मॉल टाउन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ सतलेज रिवर, सतलेज रिवर के लेफ्ट साइड बैंक के ऊपर ये है, और ये एक छोटा सा टाउन है। इट वॉज फाउंडेड बाई श्री गुरु तेग बहादुर। लाख्स ऑफ सिख्स गैदर हेयर एनुअली टू सेलिब्रेट द ऑफ द खालसा बाई गुरु गोविंद सिंह इन 1699। आपको पता है कि आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, बैसाखी के दिन की थी। तो हजारों लाखों की तादाद में जो सिख हैं हर साल यहाँ पर इकट्ठा होते हैं उस दिवस को मनाने के लिए। सर लुक हेयर, दिस इज मॉडल ऑफ ब्यूटिफुली प्लांट सिटी, इट हैज़ ए नंबर ऑफ गार्डन्स, इजंट दैट चंडीगढ़? आस्क राजू, ब्यूटिफुली प्लांट सिटी कौन सी है? यस चंडीगढ़, यस दिस इज चंडीगढ़। दिस ब्यूटिफुल सिटी सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द शिवालिक हिल्स, इट वॉज डिजाइंड बाई अ फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट लो ले कॉर्बिजियर। Being very close to the hills, Chandigarh has a calm and pleasant atmosphere. The rose gardens of Chandigarh are world famous. क्योंकि ये हिली एरिया के बहुत पास है ये शहर चंडीगढ़, तो यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही ठंडा और अच्छा है, शांति है यहाँ पर। The city was formally declared open in October 1953 by the then President of India, Dr. Rajendra Prasad. 1953 में इस सिटी को खोला गया था किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सर देयर आर सम शॉप्स हेयर दैट सेल स्पोर्ट्स गुड, आई वुड लाइक टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड ए बॉल, बट बिफोर यू बाय कुड यू टेल मी विच सिटी इन पंजाब प्रोड्यूस दीज गुड्स? आपको पता है पंजाब में जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो कौन सी सिटी में बनती हैं? यस दे आर मेड इन जलंधर। वेल इट इज जलंधर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स गुड इन द कंट्री। द अदर शॉप देयर हैज़ वुलन होजरी गुड्स, अब वहाँ पर एक तो स्पोर्ट्स की शॉप थी जहाँ से टीचर ने उनको ये समझा दिया कि स्पोर्ट्स गुड कहाँ बनती है, और उसके साथ ही होजरी का सामान था। तो टीचर ने उनको बताया कि जो होजरी का सामान बनता है वो कहाँ बनता है? लुधियाना में। 95% ऑफ अवर होजरी इंडस्ट्री इज़ इन लुधियाना, 95% हमारी जो होजरी इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है? लुधियाना में। पूरे देश में इवन के विदेशों में भी होजरी का माल वहाँ से जाता है। वुड यू लाइक टू बाई सम होजरी गुड्स ऑल्सो? नो सर आई कांट डिसाइड विच वन टू बाई, सच परचेजेज आर मेड बाई माई पेरेंट्स, सेड चिंटू। वेल चिल्ड्रन यू वुड परहैप्स लाइक टू टेस्ट दीज अमृतसरी जलेबीज, सेड मिस्टर मैथ्यू मूविंग टूवर्ड ए स्वीट शॉप। ऑल द चिल्ड्रन फॉलोड हिम विद स्माइल ऑन देयर फेसिस, अब वहाँ पर एक शॉप पर अमृतसरी जलेबी बन रही थी, तो उनका टीचर ने उनसे पूछा कि आप जलेबी खानी पसंद करोगे, और सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी और सभी टीचर के पीछे जा रहे थे।
अब आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में पंजाब की जो झांकी दी गई है उसमें आपको पहले बताया गया पंजाब के शहीदों के बारे में, फिर पंजाब में जो भाखड़ा नंगल डैम है उसके बारे में बताया गया, उसका किन किन राज्यों को फ़ायदा होता है, जलियांवाले बाग के बारे में बताया गया आपको, और उसके बाद गोल्डन टेम्पल के बारे में बताया गया। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। आप ध्यान से इसकी रीडिंग कीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं उन पर भी ध्यान दीजिए और उन्हें लर्न कीजिए। ऑल द बेस्ट।